नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके दोस्त के चैनल क्रिप्टोवर्स पर। मैं हूं आशीष और एक बार फिर से हाजिर हूं मैं दोस्तों आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ एक नया टॉपिक लेकर के आते, तो आज भी वही एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे। तो जैसे ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी और मुझे लगा आप लोगों के साथ में इसे शेयर करना चाहिए, और काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और मुझे लगता है ये साल की, मेरे हिसाब से, औरों के हिसाब से बेशक ना हो लेकिन मेरे हिसाब से ये एडॉप्शन वाइज सबसे बड़ी न्यूज़ है। अगर हम लोग इसको देखेंगे, अगर डीपली इसको अगर रिसर्च करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल ये आप कह सकते हैं कि एक परफेक्ट न्यूज़ जो बिटकॉइन के लिए है वो हम अब निकल करके एक आई है कि आप बिटकॉइन जो है ट्रांजेक्शन कर पाएंगे ईमेल के थ्रू। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि होने जा रही है, और इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हो सकती है और क्या एक्चुअली में पूरा माजरा है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे जो कि किया है हमारे आर्मस्ट्रांग भाई ने, और जबरदस्त काम करके दिखाया है कॉइनबेस ने। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक मजेदार एक नया टैक सीखने को मिलेगा, एक नया टैक देखने को मिलेगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों हॉडल कीजिए, हॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना ये वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णेंदु भाई, सोनम भाई, हरीश भाई और विजेंद्र भाई, आप सभी का आने के लिए, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत प्यार। तो शुरू करते हैं हम लोगों का ये वीडियो और शेयर करते हैं हमारी स्क्रीन। और हमेशा की तरह यूज योर ड्यू डिलिजेंस, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा ही है। तो शुरू करते हैं हम लोगों का वीडियो। और तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि कॉइनबेस ने एक पेटेंट था इनका जो कि 2015 से चल रहा था, उसके ऊपर अब ये लोग जीत गए हैं। और अब उस टेक के थ्रू क्या होगा कि इनका जो ये टेक है ये अलाउ करेगा कि यूजर्स जो है ईमेल के थ्रू बिटकॉइन जो है सेंड और रिसीव कर पाए। ये एक बहुत बड़ी जीत है एडॉप्शन वाइज। अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पीछे हैं एडॉप्शन को लेकर के, तो उसी चीज को ये आगे लेकर के आना चाहते हैं। ये इनका आप कह सकते हैं एक तरह से एक ड्रीम है, जो कि इन्होंने बोला भी था एक कोट के अंदर, इन्होंने बोला था कि ये मेरा एक ड्रीम है कि अगले 10 साल मैं अडॉप्शन के अंदर कुछ ना कुछ हेल्प कर पाऊँ बिटकॉइन की। और वही चीज़ ये करने की कोशिश कर रहे हैं, और मज़ा आएगा पढ़ करके इसके पूरे आर्टिकल को। तो देखिएगा, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कॉइनबेस के CEO आर्मस्ट्रांग जो है, उन्होंने US से जो है पेटेंट ले लिया है एक, जो कि इन्वेंशन है इनका खुद का, जहां पर सेंड कर सकते, रिसीव कर सकते इजीली ईमेल के थ्रू बिटकॉइन लिटरली। तो यहाँ पर जो पेटेंट है वो ग्रांट किया गया है कि ट्यूजडे को, और ये फिल किया था मार्च 2015 के अंदर। तो तब से ही ये इसके पीछे लगे हुए थे। आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये सिस्टम जो है, जो यूजर है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी पेमेंट कर पाएगा ईमेल एड्रेस के थ्रू, जो कि लिंक होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वॉलेट एड्रेस होगा उसके थ्रू। तो सेंडर जो है अगर वो रिक्वेस्ट करेगा कि सेंड करे अपनी क्रिप्टो करेंसी ईमेल एड्रेस को, और तो यहाँ पर क्या सिस्टम जो होगा वो ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट करेगा, एग्री करेगा अमाउंट के ऊपर, और फिर उसके बाद में वो थोड़ा सा टाइम लेगा और जितना भी बैलेंस होगा उसको चेक करेगा, जितना भी बैलेंस रिक्वायर्ड है वो देखेगा, और फिर उसके बाद में जो सेंडर का वॉलेट है वो उस कॉरस्पॉन्डिंग वॉलेट को के ऊपर, जो भी रिसीवर का ईमेल है उसके ऊपर सेंड कर देगा। तो ये एक जबरदस्त चीज होने वाली है, मुझे तो काफी मजा आया इसको पढ़ करके। और फिर इतना ही नहीं, ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा 48 आवर्स लेगा और इसके अंदर ट्रांजेक्शन जो है क्लियर होने के लिए। और फिर इतना ही नहीं कि ये एक बार रिसीवर कन्फर्म कर देगा उसके पास पेमेंट पहुंच गई है, तो फिर बस बिंदास ट्रांजेक्शन कन्फर्म। और फिर उस क्रिप्टो करेंसीज अगर हम लोग बात करें तो ईमेल के ऊपर उतनी सेफ नहीं है, और क्योंकि ईमेल बहुत रिस्की होती है, क्योंकि हर जगह पर आप कह सकते हैं कि वो ओपन होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा डेंजरस होता है ईमेल के ऊपर क्रिप्टो करेंसीज रखना। लेकिन यहीं पर ये इसको और मतलब अदर हैंड इसको एक काफ़ी ज़्यादा सेफ बनाना चाहते हैं, वही चीज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर वही चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉइनबेस की अगर बात करें तो 2012 से अब तक कॉइनबेस ने तकरीबन $2 बिलियन सिर्फ ट्रांजेक्शन फीस के अंदर अंदर कमाए हैं। आप इसको कमाना कह सकते हैं, ट्रांजेक्शन फी के अंदर दिए हैं वो सब कह सकते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो ईमेल सिस्टम जो है वो कोई फीस चार्ज नहीं करेगा, ये एक मेजर बात है। और ये जो पेटेंट है इसके अकॉर्डिंग जो माइनिंग फी जो होगी वो पेड करी जाएगी एक्सचेंजेस के द्वारा, और उसके अलावा जो ये ट्रांजेक्शन्स हैं एक्सटर्नल वॉलेट के ऊपर अगर आप करेंगे तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन शायद ये चार्जेबल होगी। तो ये भी एक मज़ेदार, मतलब पूरे एक एक लाइन पढ़ने में बड़ा मज़ा, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ।
और मतलब ये जो इनका पेटेंट है ये नहीं कहता कि और दूसरी क्रिप्टो करेंसी जो है वो इसको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, कोई बड़ा मेजर हर्डल नहीं है। तो ईमेल के अंदर ही इंटरेक्ट करना है, ईमेल के साथ में इंटरेक्ट करना है तो इजीली हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी ईमेल प्रोवाइडर के ऊपर और मतलब यूजर के ऊपर, और फिर जिसका मतलब ये है कि वो जितनी भी ईमेल एड्रेस है उसको जैसे मर्जी चाहे वैसे यूज कर सकता है, जिसको ईमेल चाहे करना चाहता है वैसे कर सकता है, चाहे वो क्रिप्टो भेजे, चाहे वो बिटकॉइन भेजे या कुछ भी भेजे, वो चाहे ईमेल भेजे सिर्फ टेक्स्ट मेल भेजे वो सब कर पाएगा। तो इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आती है कि या तो ये लोग अपनी खुद की एक ईमेल सर्विस लेकर के आएंगे जो कि इनकी ही एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल होगी और फिर वहां से आप ट्रांजेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप नॉर्मली भी अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाहते तो मुझे लगता है कि अगर आप एक एक्सटेंशन के थ्रू अगर आप ईमेल के साथ में जोड़ दे, जो कि क्रोम एक्सटेंशन और ये सब होते हैं उसको अगर जोड़ दे किसी तरह से, तो फिर मुझे लगता है तब भी ट्रांजेक्शन करना काफ़ी मतलब ईमेल के थ्रू हो जाएगा, गूगल जीमेल के थ्रू हो जाएगा। तो उस चीज़ के ऊपर तो जैसे मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि शायद ये लोग एक अपनी खुद की मेल सर्विस लेके आएंगे जो कि इनकी ही एक्सचेंज से रिलेटेड होगी और उस तरह की चीज़ें होंगी। तो ईमेल सिस्टम जो है वो काफ़ी और भी काफ़ी सारे फीचर इसके साथ में इंक्लूडेड होंगे, इतना ही नहीं, और जो यूज़र जो है अपनी जो बिटकॉइन ट्रेड भी कर पाएगा इसके ऊपर, तो मतलब इनके ऊपर जाकर के जो भी इनका जीडेक्स है वो सब है उन सभी को भी एक्सेस कर पाएगा अपने ईमेल के थ्रू ही, और यूज़ कर पाएगा अपने फिएट क्रिप्टो फिएट करेंसी वहाँ से भी, और लिंक कर पाएगा अपने बैंक अकाउंट को भी। तो मतलब इन्होंने सारी चीज़ें एक ही चीज़ मतलब एक ही ईमेल के अंदर सारी चीज़ें डाल दी और वहीं से ही सारी की सारी चीज़ें जो है हो पाएंगी। तो ये एक मेजर मतलब मुझे जैसे मैंने बताया कि मैं आप मुझे बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट कह सकते हैं, लेकिन मैं हर एक जगह पर मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ को सीखने की समझने की कोशिश करता हूँ, ताकि मतलब मैं टेक्नोलॉजी का फ़ैन हूँ और इस टेक्नोलॉजी के लिए ही मतलब देखा आप लोगों ने कि मैं क्या करता रहता हूँ। इतना ही नहीं कि ये जो एक्सचेंज है वो नई नई सर्विसेज जो है प्लान कर रही है इसके ऊपर, और मतलब अभी कुछ और पेटेंट भी है जो कि सामने आने वाले हैं, अभी वो क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। तो कॉइनडेस्क ने ये कॉइनडेस्क का आर्टिकल है, शाउट आउट टू कॉइनडेस्क, मैं इसका आर्टिकल का लिंक नीचे भी डाल दूंगा, अगर आप सर्च भी करेंगे तो भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो और दो पेटेंट है जो कि कॉइनबेस ने कॉइनबेस को मिले हैं ट्यूजडे को ही, और जो कि एक तो है कि इनकी एप्लीकेशन जो कि इंश्योर करती है कि यूजर का अकाउंट जो है वो इंटरनेशनली और जो लोकल लॉ है उससे बाइंड हो, और दूसरा जो है वो ये है कि एनफोर्समेंट प्रोटोकॉल जो कि नॉन कंप्लाइंट अकाउंट के ऊपर लाया जाए, तो वो चीज़ के ऊपर भी इन्होंने पेटेंट वो भी मिला इनको ट्यूसडे को ही। तो ये आप कह सकते हैं ये जो ईमेल ट्रांजेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि काफ़ी पोटेंशियली क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन के लिए ईजी कर देगा किसी भी पर्सन के लिए, बिल्कुल ये ज़बरदस्त बात कही है इन्होंने। क्योंकि आप अगर देखें हम लोग क्या चाहते हैं, हर एक चीज़ ईजी चाहते हैं, अगर आप एक नए यूज़र को इंट्रोड्यूस करते हैं बिटकॉइन के वॉलेट को, आप उसको पहले समझाना पड़ता है कि ये एक प्राइवेट की होती है ये पब्लिक की होती है, और फिर उसके बाद में आप ट्रांजेक्शन करेंगे। तो मतलब मैं भी जुड़ा था तो मेरे लिए भी एक तरह से ये काफ़ी माइंड बॉगलिंग चीज़ थी, और मतलब मुझे भी टाइम लगा था उसको समझने के लिए। लेकिन एक ईमेल के थ्रू अगर आप जोड़ देंगे तो आप कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अडॉप्शन जो है वो जो रियल अडॉप्शन है वो हम लोगों को आती हुई नजर आएगी, और यही चीज़ है जो कि इस तरह की मतलब जो अडॉप्शन है वो लेकर के आएगी। वहीं और जैसे अगस्त के अंदर आर्मस्ट्रांग ने ये कहा था कि इनका जो विजन है कॉइनबेस का कि वो क्रिएट कर सके और भी ऐसा और भी बड़ा इकोनॉमिक फ्रीडम जो कि हर एक पर्सन जो है वो जुड़ सके, और जो बिजनेसेस हैं इस वर्ल्ड के और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सभी बिटकॉइन को यूज़ कर सके। तो इनका ये विजन है जो कि लगता है कि शायद आने वाले टाइम में और भी पूरा होता हुआ नजर आए, और हम यही दुआ करेंगे इनके लिए कि बिल्कुल उनका ये ड्रीम जो है पूरा हो, और मैं भी इनके साथ हूँ। जितना स्प्रेड हो सकेगा इस आर्टिकल को आप लोग ज़रूर फैलाइए, इस वीडियो को ज़रूर फैलाइए, क्योंकि मुझे लगता है इस साल की ये सबसे बड़ी न्यूज़ है, और इससे बड़ी न्यूज़ एडॉप्शन वाइज मुझे तो नहीं लगता। अगर आपके पास और कुछ हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये थी हम लोगों की वीडियो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों हॉडल कीजिएगा, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस और जय हिंद।